कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन सिंध का खसूसी इजलास मोहतरम परवेज भट्टी सदर सिंध पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन की ज़ेर सदारत कराची में मुनक्कद किया गया, जिसमें सूबा सिंध के कायदीन और मेंबरान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास का आगाज तलावत खुदाबंदी से किया गया, जिसकी साथ मैडम निगहत राशिद खान और आसिफ एजाज ने हासिल की। निजामत के फ्राय अफशा सहन ने अंजाम दिए। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को चेयरपर्सन असद इकबाल बट थे। शिरका में वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन सिंध के जनरल सेक्रेटरी आसिफ इजाज, फाइनेंस सेक्रेटरी नवीद गौरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैडम निगहत राशिद खान, लीगल एडवाइजर एडवोकेट हाई कोर्ट मैडम नंसरीन, एग्जीक्यूटिव मेंबरान में जावेद भट्टी, रुबीना खान, चौधरी मोहम्मद नसीर, डॉक्टर जाहिद अली, रोजनामा सचल से अब्दुल हफीज उम्र और माहिर तलीम सेठ सलीम खान ने शिरकत की। कायदीन ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन मलिक बड़ी जनरल रजिस्टर्ड तंजीम का एक मुनसिम प्लेटफॉर्म है, जो सहाफियों के हकूक और उनके मसाइल के हल के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में नहायत अहसन तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। प्रोग्राम के आखिर में तमाम अहदेदारान और मेंबरान में प्रेस कार्ड आला कारकर्दगी के सर्टिफिकेट तकसीम किए गए।